हेलो गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं बिगिनर्स के लिए। तो इसी सीरीज में मैं अगली वीडियोस जो अब लेके आ रहा हूं वो है ऑप्शन ग्रीक के ऊपर। ऑप्शन ग्रीक मींस कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, जैसे कि डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा है। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मैं आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा इन सबके बारे में अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आज जो वीडियो है वो है डेल्टा के ऊपर, ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा क्या है और डेल्टा की हमें जरूरत कैसे है और हम गलत डिसीजन लेने से कैसे बच सकते हैं डेल्टा की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, हम अब चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर जो कि एनएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन में ये हमारा पॉइंट होता है एट द मनी। 15,300 जो है वो एट द मनी है। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो 15,300 यहाँ पर एट द मनी है और इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 201 रुपये। और अगर आप इससे ऊपर जाते जाएंगे तो आप देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर जो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो ज्यादा है, ठीक है? 13,850 के लिए आपको 1,406 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो प्रीमियम है, ठीक है? तो ऊपर को आप इन द मनी में जाएंगे तो आप का प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और अगर आप आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे तो आप देखिए आपका प्रीमियम यहाँ पे घटता जा रहा है, ठीक है? तो ये जो आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी वैल्यूज जो हैं, जो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है, उनकी जो वैल्यूज हैं, देखिए 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए है, और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और अगर ये हमें अट्रैक्टिव लगते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम 16,000 का खरीद लेते हैं और इसका जो प्रीमियम है हमें 8 रुपए ही पे करना पड़ेगा। मीन्स एक लॉट के लिए आपको बहुत कम पे करना पड़ेगा और आपको ज्यादा लॉट मिल सकते हैं, जिससे कि आपको हो सकता है ज्यादा फायदा हो, ठीक है? जबकि आपको यहाँ पे इन द मनी या फिर एट द मनी पर आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आप ज्यादा उसमें लॉट नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको आउट ऑफ द मनी जाना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है? अब हम इस चीज को समझने के लिए जाएंगे डेल्टा के ऊपर, ठीक है? तो डेल्टा को समझने के लिए हमारे पास, हम डेल्टा कहाँ से देखें कि किसी चीज की डेल्टा की वैल्यू क्या है और उसका क्या मतलब है। तो मैं आपको वो चीज मैं आपको अभी बताऊंगा कि डेल्टा क्या है, हम कैसे देखें उसे, कहाँ पर देखें। तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक और वेबसाइट है। आप यहाँ पे अगर आप गूगल पे लिखें ऑप्स्ट्रा, ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस, अगर आप इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कीजिए, गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं इजीली अपनी जीमेल की वेबसाइट से, अपनी फेसबुक की वेबसाइट से आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ पर हम वैल्यूज कुछ पुट करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन में सबसे पहले एट द मनी की वैल्यू डालता हूँ 15,300 रुपये, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लूंगा ऑप्शंस, और ऑप्शन के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि ये जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये 23 जून 2022 का, ये यहाँ पे मैं वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगा 23 जून 2022, और यहाँ पे मैं अब स्ट्राइक प्राइस एंटर करूंगा जो कि मैं एट द मनी पे देख रहा हूँ, ठीक है? एट द मनी पे स्ट्राइक प्राइस है 15,300, तो 15,300 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 15,300, ठीक है? और ये सीई मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ एड पोजीशन पे। एड पोजीशन पे डालने के बाद आप यहाँ पे जाइए ग्रीक्स पे। यहाँ पे ग्रीक्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा की वैल्यू है 50.77। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ डेसिमल में, तो डेसिमल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आएगा 0.50। अब इसका क्या मतलब है 0.5077? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आप 15,300 का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं 15,300 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो उस समय अगर निफ्टी 1 रुपया ऊपर जाता है, मींस 1 यूनिट ऊपर जाता है या 1 पॉइंट ऊपर जाता है, तो
आपका जो ये 15,300 का कॉल ऑप्शन है उसमें जो इंक्रीज आएगा वो आएगा 50 पैसे, ठीक है? मींस अगर वो 1 रुपये ऊपर जाएगा तो 50 पैसे इंक्रीज आएगा इसके ऊपर। और अगर मान लीजिए कि वो 100 100 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट या 100 रुपये ऊपर गया, तो इसमें जो चेंज आएगा, जो 15,300 का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है उसमें जो चेंज आएगा वो आएगा 50 रुपये। अगर वो 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो इसमें चेंज आएगा 50 रुपये, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में बता रहा था कि आप यहाँ पे, आपको अट्रैक्टिव तो ये आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो लेकिन आप यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है? अब मैं देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ आउट ऑफ द मनी का कोई, चलिए पहले इन द मनी का कोई और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन द मनी में मैं ऊपर की ओर को जाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15,050 का, 15,050 का स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ और उसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं एडिट करूंगा और यहाँ पे मैं 15,050 का मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका, एक सेकेंड देखिए, 0.677। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले एट द मनी पे बताया, एट द मनी पे जब आपका था, जब आपका स्ट्राइक प्राइस, आपने कॉल ऑप्शन बाई करा था एट द मनी पे, तो आपका जो डेल्टा की वैल्यू थी वो थी 0.50। मींस वो एक एक यूनिट अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो जो चेंज आएगा कॉल ऑप्शन पे वो आएगा 50 पैसे का। लेकिन अब आपने इन द मनी में जा करके आपने 15,050 का कॉल ऑप्शन अगर बाई किया है तो 1 रुपया चेंज आने पर, निफ्टी में 1 रुपया चेंज आने पर जो कॉल ऑप्शन होगा 15,050 का जो आपने बाई किया होगा उसमें 67 पैसे का चेंज आएगा। उसी तरह से अगर मैं और ऊपर जाता हूँ, देखिए मैं और ऊपर का कोई और स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, 14,500 का मैं स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन 14,500 के पॉइंट पर आप देखिए मेरा डेल्टा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। 14,400 पे आप यहाँ पे मॉडिफाई कीजिए और यहाँ पे आप देखिए डेल्टा 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका अगर 100 100 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जाता है, या फिर आप कह सकते हैं 100 रुपये अगर निफ्टी ऊपर जाता है, तो आपको भी एग्जैक्टली 100 रुपये ही आपका 14,400 वाला कॉल ऑप्शन इंक्रीज होगा। मींस 100% इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा इंक्रीज निफ्टी में होगा उतना ही ज्यादा इंक्रीज जो है वो कॉल ऑप्शन में होगा, 14,400 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई करा है। अब हम आउट ऑफ द मनी में जाएं, अगर आउट ऑफ द मनी में जब हम जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं आउट ऑफ द मनी में मैं जाता हूं 15,600 पे, तो 15,600 का अगर मैं यहां पे करता हूं, 15,600 पे अगर मैं जाता हूं तो यहां पे अगर मैं मॉडिफाई करता हूं इसे, तो यहां पे आप देखिए 0.25, सिर्फ आपको 25 पैसे इंक्रीज मिलेगा। अगर आपका 1 रुपया इंक्रीज होता है निफ्टी तो आपको सिर्फ 25 पैसे मिलेगा। एट द मनी पे 50 पैसे था और आउट ऑफ द मनी पे थोड़ा सा मैं नीचे आया तो वो 25 पैसे हो गया। और जितना आप यहाँ से दूर जाते जाएंगे, मीन्स आप जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी में जाते जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं 16,100 पे चला गया, 16,100 पे अगर मैं गया तो 16,100 पे आपको ये लग रहा है, देखिए 5 रुपये में आपको मिल रहा है, आपको ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन आपको इसमें निफ्टी में जो इंक्रीज होगा, निफ्टी में जो चेंज आ रहा है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कितना पड़ रहा है। आप देखिए 16,100 से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 16,100 में लेता हूँ, 16,100 जब मैं यहाँ पे लेता हूँ तो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा हो गया 0.03। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको ये मिल तो बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे मिल गया था, 16,100 आपको ये 5 रुपये पे मिल रहा है, ठीक है? आपको बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब आप ये देखिए कि निफ्टी में जो चेंज आ रहा है, अगर निफ्टी में 100 रुपया चेंज आ रहा है तो यहाँ पे
आपको सिर्फ कितना उसका बेनिफिट मिल रहा है, इसमें जो चेंज आएगा, इस जो कॉल ऑप्शन आप बाई करोगे 16,100 पर, कॉल ऑप्शन बाई जो आपने किया है उसमें जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगा 30 पैसे का चेंज। तो इसमें आपको कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए आपको हमेशा आपको ये बहुत अट्रैक्टिव तो लगते हैं, आउट ऑफ द मनी आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन जो डेल्टा है वो आपको देख लेना चाहिए यहाँ पे कि डेल्टा मींस कितना परसेंट चेंज आपको आएगा उसके इंक्रीज होने पर, निफ्टी के इंक्रीज होने पर। अब यहाँ पे हम पुट ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पुट की बात करता हूँ तो यहाँ पे पुट के लिए नेगेटिव रिटर्न आएगा। यहाँ पे देखिए ये कॉल ऑप्शन था, यहाँ पे पुट मैं अगर करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ अगर मैं इसे, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, ये -1। मींस अगर आप पुट ऑप्शन बाई करते हैं 16,100 का, तो आपका अगर मार्केट निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो आपको उतना ही नेगेटिव रिटर्न इसमें मिलेगा। मींस अगर आप 100 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जाता है और अगर आपने पुट ऑप्शन बाई किया है तो आपका 100 पॉइंट ही नीचे, 100 रुपए ही नीचे जो है आपका पुट ऑप्शन आ जाएगा 16,100 पे, ठीक है। जबकि एट द मनी पे अगर हम देखें, एट द मनी 15,300 पे है, तो 15,300 पे देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पे -0.49 मीन्स अराउंड 50%, 50 पैसा मीन्स अगर निफ्टी ऊपर जाता है 1 रुपया, तो आपका 15,300 पे अगर आपने पुट ऑप्शन बाई किया है तो वो 50 पैसे नीचे उसका इम्पैक्ट होगा। मीन्स 50 पैसे आपका जो पुट ऑप्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर निफ्टी 100 पॉइंट या 100 रुपये ऊपर जाता है तो आपका जो 15,300 पे पुट ऑप्शन है वो 50 रुपये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जो है हमें ये बताता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी के चेंज होने से, आपने जो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बाई किया है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन उस पे, ठीक है। तो आपको ये यहां से इस वीडियो से ये पता लग गया होगा कि आपको ये अट्रैक्टिव तो लगते हैं, लेकिन आपको इसके लॉट्स ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इनका इम्पैक्ट, इनके ऊपर जो निफ्टी का इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ही कम पड़ता है। इनकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। इसलिए आपको इन द मनी या एट द मनी पर ही आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई करने चाहिए, ठीक है। लेकिन डेल्टा ही सिर्फ एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि हमें ये बताता है कि कितना इम्पैक्ट होगा आपके जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आपने बाई करा है चेंज इन द निफ्टी। वो और भी चीजें हैं जैसे कि थीटा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया, तो इनके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको वेगा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थीटा और गामा के बारे में भी हम अगली आने वाली वीडियोज में करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर कुछ इससे समझ आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डेली 3 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स बताता हूँ, और साथ ही मैं आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी प्रिडिक्शन की वीडियो मैं डेली लेकर के आता हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़े। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।